बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैम सर्वर स्टार्ट कर ले ली है सबसे पहले, और इसमें आपको अपाचे को और MySQL को दोनों को स्टार्ट कर ली है। फिर आपको क्रोम पे जाकर लिखना है लोकल होस्ट PHP MyAdmin। आपको इस तरीके का डेटाबेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको SQL में जानी है, लिखना है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इस टेबल से, तो यूजर टेबल से, वेयर इस फील्ड पे लगानी चाहते हैं मैं, अमाउंट पे लगाना चाहता हूँ, यानी किस कॉलम पे लगाना चाहते हैं अमाउंट पे, बिटवीन ऑपरेटर लगानी है, और किस रेंज का डेटा निकालना चाह रहे हैं। तो मैं 100 से लेके एंड 500 तक का डेटा चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं गो किया, आप देखिए फिर मैं इस टेबल को एक और टैब में ओपन कर ले रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास क्या है, 100 से लेके 500 तक का डेटा है, और एक जो डेटा है आईडी नंबर 13 का, उसमें उसका अमाउंट 50 है यानी 50 है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो फ्रेंड देखिए, जिसका मिनिमम क्या है 100 है, तो आपको 100 से लेके 500 तक का डेटा दिया है, लेकिन जो जिसका अमाउंट 50 है वो डेटा नहीं दिया है। ठीक है, अब इसी में आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ और कंडीशन लगाऊँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड लिखना है, मैं इन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, तो मुझे आईडी पे लगानी है इन ऑपरेटर, तो मैं लिखा IN, और IN के अंदर मैं आईडी पास कर रहा हूँ कि उसका जो जो डेटा होना चाहिए 100 और 500 के बीच में तो होना ही चाहिए, एंड और क्या होना चाहिए, उसका आईडी जो है 8 और 9 होना चाहिए, तो ही डेटा मुझे मिले। तो मैं गो करता हूँ, तो देखिए फ्रेंड 100 और 500 के बीच में 100 और जो अमाउंट है, एक का 100 है एक का 400 है, तो ये मैच कर गया, तो आपको ये डेटा दे दिया। अब उसका आईडी भी 8 और 9 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से किसी कंडीशन को मान लीजिए फॉल्स करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका अमाउंट क्या काम कर देता हूँ 200 कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, आपको एक ही डेटा दिया आईडी 8 का, क्योंकि अमाउंट 100 है, मैच कर गया पहला, और दूसरा क्या है, उसका आईडी भी 8 है। ठीक है, अब क्या करना है फ्रेंड, मान लीजिए कि आपको इसी में नॉट ऑपरेटर यूज करना है, तो क्या काम करेंगे फ्रेंड, आपको लिखना है नॉट। अब क्या होगा, वो डेटा देगा जो 100 और 200 के बीच में नहीं हो। तो देखिए फ्रेंड, आपको वो डेटा दिया जो 100 और 200 के बीच में नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ भी आप मल्टीपल्स कंडीशन लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं एंड लिखता हूँ, एंड उस पर बोल देता हूँ कि जो आईडी है, और मैं इन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूजर, इसमें भी वेयर लगा रहा हूँ, वेयर इसका अमाउंट जो है ग्रेटर देन हो 100 से। तो जैसे करूँगा फ्रेंड, तो आपको देखिए फ्रेंड, ये पहला जो कंडीशन है जो सेलेक्ट की लगी है, उसका अमाउंट 100 से बड़ा का जो भी, जिसका जिसका 100 से ज़्यादा होगा, उसकी आईडी आपको निकाल के इन में डाल दिया। अब वो आईडी मैच कर गया। ठीक है फ्रेंड, अब हमने बोला कि वो डेटा दो जो 200 और 400 100 और 200 नहीं हो। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डेटा दे दिया है। ठीक है, अब क्या, अब मैं इस सब को हटा के, मैं मान लीजिए मैं आईडी पे लगाना चाह रहा हूँ बिटवीन, तो मैं लिखा आईडी बिटवीन, कौन किस आईडी के बीच में चाहिए आपको, तो मुझे 8 एंड 10 का डेटा चाहिए। तो मैं जैसे इंटर करूँगा तो आपको
8, 9, 10 का डेटा दे दिया है। इसमें भी आप नॉट यूज कर सकते हैं, तो सिंपली आपको नॉट लिखनी है और इंटर कर देना है और गो करनी है। तो देखिए 8, 9, 10 का डेटा नहीं देगा, आपको दिया डेटा 11, 12 और 13 का, ठीक है। अब फ्रेंड आप इसको डेट पे भी लगा सकते हैं, तो आपको कैसे लिखना है, मान लीजिए आपका जो डेट वाली फील्ड होगा यानी कॉलम होगा उसका नाम लिखना है। जैसे मेरा कॉलम का नाम है ज्वाइन डेट, और मैं अभी नॉट ऑपरेट नॉट हटा रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ जो मेरा 2021 होना चाहिए, मंथ 11 होना चाहिए और जो डेट है वो 1 तारीख होनी चाहिए। और इधर मैं लिख रहा हूँ कि जो मेरा ईयर है वो 2021 होना चाहिए, मंथ 11 होना चाहिए और डेट है 30 होना चाहिए, 30। जैसे ही मैं गो कर रहा हूँ तो देखिए फ्रेंड आपको एक के बाद यानी 3 तारीख 13 तारीख का डेटा दे दिया, ठीक है। जबकि आप टेबल में देखिए तो आपको 12 मंथ का भी डेटा है, 9 मंथ का भी डेटा है, 10 मंथ का भी डेटा है, ठीक। अगर मैं इसको डेट को बढ़ाना चाहूँ, मान लीजिए मैं मंथ को बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे और मैं गो कर रहा हूँ, तो देखिए 12 मंथ का भी डेटा उठा के दे दिया है। अगर आप इसमें भी एंड कंडीशन लगाना चाह रहे हैं तो और कंडीशन जो भी कंडीशन आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। और मैं आईडी पे इन ऑपरेट लगाना चाह रहा हूँ कि उसका आईडी 10 एंड 11 होनी चाहिए, ठीक है फिर। तो देखिए उसका आईडी 10 एंड 11 में आपको उस डेट के रेंज में ये डेटा आपको मिला है, ठीक है। अब इसी तरीका से आप बहुत और भी कंडीशन लगा सकते हैं आगे एंड और करके, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।